हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका गुप्ता किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको कौन सी रेसिपी देंगे आपको मैं बताती हूँ। आपके बच्चे स्कूल तो जाते होंगे, हस्बैंड भी जाते हो, या शाम के समय कुछ अल्लाह के स्नैक खाने का मन होता है तो आप ये बना सकते हो। यदि आपने बच्चे के टिफिन में रख दिया तो एवरी डे डेली रोज यही लेकर जाएगा और मम्मा आप ही से बोलेगा। चलो अब हम आपको बनाना बताते हैं, और बताने से पहले आप प्रियंका गुप्ता की चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो हम आपको बताते हैं, चलो अब किचन में चलते हैं, बनाते हैं। आज की रेसिपी का नाम है पनीर आलू पिज्ज़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो आलू लेना है। दो आलू लेने के बाद उसको पील कर लेना, मतलब छील लेना है। छीलने के बाद आपको कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद उसमें आपको कुछ मसाले वगैरह डालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें आपको आपके पास बेसन या मैदा या आटा हो या कॉर्नफ्लोर हो तो आपको आपके घर में जो हो तो वो डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने एक चम्मच बेसन डाला है, और काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ, और जीरा पाउडर और उदानो पिज्ज़ा मसाला और चिली फ्लेक्स डालकर उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको तवा पर रखना है। तवा पर आपको तेल या घी लेना है, फिर उसको आपको हाथों से फैला देना है रोटी की तरह, फिर उसमें फैल जाए तो दोनों तरफ से अच्छे सेक लेना है। जब सिक जाए तो उसमें आपको क्या करना है, निकाल कर एक प्लेट में पहले निकाल लेना है, फिर उसमें आपको आपका बच्चा या जो भी स्पाइसी खाता तो स्पाइसी आपके ऊपर निर्भर रहता है, फिर उसमें आपको सॉस लगाना है। मैंने सॉस लगाया, फिर पनीर फैलाया। आपका पनीर हो तो पनीर है और चीज़ हो तो चीज़। फिर प्याज ऊपर से डालना है, और फिर और उदाना और चिली फ्लेक्स डालकर और तवा पर उसको ढककर बेक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको काट कर बताती हूँ। यहाँ पर देखो स्लाइस में काट लिया है, और पनीर पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आइए खा लीजिए। और यहाँ पर मैं अपने बेटे के टिफिन में रख रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट था। मैं उसको फिर यहाँ पर देखो आपको स्लाइस कर कर भी बता दिया। ये मेरा पनीर पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। प्रियंका गुप्ता की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।